नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। विराट कोहली पर भारी पड़े रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 6 विकेट से हराया। रोहित ने 60 और पोलार्ड ने खेली 40 रनों की तूफानी पारी। आज गुजरात लॉयंस से भिड़ेंगे सनराइजर्स हैदराबाद, अभी तक अजय रही है रैना की गुजरात सेना। पिछले मैच में मिली थी सनराइजर्स को पहली जीत। कोर्ट ने दी बीसीसीआई को मात्र एक मैच पुणे में करवाने की इजाजत। 1 मई को होगा मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला। महाराष्ट्र में सूखे को देखते हुए कोर्ट ने लगाई थी मैच पर रोक। लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के बाद बीसीसीआई के पहले सीईओ बने राहुल जौहरी, 15 साल तक डिस्कवरी चैनल से जुड़े रहे। जौहरी 1 जून 2016 से संभालेंगे अपना पदभार। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान टीम खेलेगी डे नाइट टेस्ट। दिसंबर में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट ब्रिस्बेन में पिंक बॉल से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच पिछले साल हुई थी डे नाइट टेस्ट की शुरुआत। और हांगकांग के ऑलराउंडर इरफान अहमद 2.5 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित। आईसीसी ने भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का माना दोषी। 2012 से 2014 के बीच भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर इरफान नहीं दे पाए सफाई। तो ये तो ही खेल जगत की खबरें। खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।